Hello students, I welcome you all to today's session. I hope all of you are doing good. So today's topic is traveling to places. Learning topics. Everyday travel, means of transport, transport in villages, transport in deserts and coastal areas. Everyday travel. Most of us travel from place to place every day. Grown-ups travel to work for business purposes or transport goods from one place to another. Some places are a very short distance away. We may walk to such places, but we cannot go everywhere on foot. We need vehicles to go to far-off places. Vehicles cover long distances in a short time. Vehicles form our means of transport. Different means of transport are used to travel to different places. So, जैसा कि आपको पता है कि आपको और adults को भी अलग-अलग time पे अलग-अलग जगहों पर जाना होता है, travel करना होता है. जो जगह पास में होती है, वहाँ पैदल जा सकते हैं. जो जगह दूर होती है, वहाँ के लिए आपको transport use करने पड़ते हैं. अलग अलग व्हीकल्स के थ्रू. तो ये सारे जो व्हीकल्स होते हैं, ये अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का पार्ट होते हैं. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. टू मूव विद इन अ सिटी वी यूज डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक कार्स, रिक्शाज, स्कूटर्स, मोटरसाइकिल्स, बाइसिकल्स एंड बसेस. फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेज वी हैव अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट सच एज ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स. ऑल दीज आर कॉल्ड व्हीकल्स. तो अगर एक ही सिटी में आपको या फिर एक ही स्टेट में आपको इधर से उधर जाना है, तो आप यूजुअली कार्स का, स्कूटर्स का, बाइसिकल्स का, बसेस का यूज करते हैं. अगर आपको बहुत ज्यादा लंबे डिस्टेंसेज के लिए जाना है, तो आपको ट्रेन्स या फिर एरोप्लेन्स का सहारा लेना पड़ता है. नॉलेज कॉर्नर. स्मोक एक्सक्रीटेड फ्रॉम व्हीकल्स इज द मेन कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन. आपके एयर पोल्यूशन का मेन रीजन जो है वो स्मोक जो आपकी व्हीकल से निकलता है वो है. ट्रेन्स. ट्रेन्स आर द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ट्रैवलिंग टू अ फार ऑफ प्लेस. ट्रैवलिंग बाय ट्रेन इज इकोनॉमिकल दैन गोइंग बाय बस. द पैसेंजर ट्रेन, गुड्स ट्रेन, ट्रैम, लोकल ट्रेन एंड मेट्रो आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेलवे ट्रेन्स. तो आपके जो ट्रेन्स होते हैं, सबसे ज्यादा पॉपुलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है. इकोनॉमिकल होते हैं, यानी कि ज्यादा किफायती होते हैं, ज्यादा महंगे आपको देखने को नहीं मिलते हैं. ट्रैम्स, मेट्रोज और रेलवे ट्रेन्स आपके अलग अलग टाइप के ट्रेन्स होते हैं. Knowledge Corner. RapidX is the latest service in the Indian rail network. It is an elevated rail system whose goal is to replace the conventional local rail network. It's first of its kind of regional rapid transit system in the वर्ल्ड. तो आपकी रैपिड एक्स इंडिया में लेटेस्ट टाइप ऑफ रेलवे नेटवर्क में से आती हैं. ये एक एलिवेटेड फॉर्म है आपकी, जो कि कन्वेंशनल मेथड ऑफ जो ट्रेन्स था उससे हटकर है, और ये वन ऑफ इट्स काइंड है ऑल अराउंड द वर्ल्ड. एक्टिविटी. डिस्क्राइब योर फेवरेट व्हीकल इन योर ओन वर्ड्स. तो जो भी आपका फेवरेट व्हीकल है, वो बाइसिकल हो सकता है, कार हो सकता है, स्कूटर हो सकता है, आपको अपने ही वर्ड्स में एक्सप्लेन करना है, डिस्क्राइब करना है. Aeroplanes. We can travel from one country to another in an aeroplane. Journey by air takes very little time, but it is quite costly. तो अगर आपको एयर से ट्रैवल करना है, तो आपके लिए एरोप्लेन्स प्रेजेंट हैं, जो आपको बहुत ही कम टाइम में बहुत दूर तक पहुंचा सकते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा महंगे होते हैं. Ships. We can go from one country to another by ships called liners, but the journey takes many days. These different means of transport also carry goods from one place to another. Goods are sent by planes, ships, trains and trucks. Ships भी आपका एक mode of transport है, जो water के through आपको लेके जाता है. इनको liners कहा जाता है. एक country से दूसरी country में आपको ये पहुंचाता है, लेकिन ये काफी ज्यादा दिन ले लेता है. आपके जो ये transports होते हैं, ships हो गए, आपके liners हो गए, cruisers हो गए, ये सारे आपके goods भी एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाते हैं. Transport in villages. In villages, the roads are not so good for traveling. There are very few means of transport. People in villages mostly use slow means of transport. People use their bicycles or bullock carts to go from one place to another. तो गांव में आपकी रोड ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती है, जिसकी वजह से वहां पे ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा. ज्यादातर लोग गांव या कस्बों में अपनी बाइसाइकिल्स का या फिर अपने बुलक कार्ट यानी कि टांगों का यूज करते हैं एक जगह दूसरी जगह जाने के लिए.
Transport in deserts and coastal areas. In deserts, people use camels for traveling and carrying goods. Therefore, the camel is often called the ship of the desert. People living along the rivers or a sea coast travel by boats, steamers or motorboats. तो आपके जो deserts या फिर coastal areas होते हैं, वहाँ पे अलग-अलग type के transports होते हैं, जैसे कि deserts में आपका camel use होता है, इसे ship of the desert भी कहा जाता है, और coastal areas में जहाँ पे पानी होता है, वहाँ पे आपकी ships होती हैं, boats होती हैं, liners होती हैं, जो लोगों को और गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंचाती है. नाउ आई नो मोस्ट ऑफ अस ट्रैवल फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी डे. ग्रोन अप्स ट्रैवल टू वर्क फॉर बिजनेस पर्पसेस और ट्रांसपोर्ट गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. वी मे वॉक टू प्लेसेस व्हिच आर अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस अवे. We need vehicles to go to far off places. Different means of transport are used to travel to different places. We use means of transport such as buses, motorcycles, cars, auto rickshaws, ships, trains, aeroplanes, etc. to carry goods and travel from one place to another. In deserts, people use camels for traveling and carrying loads. तो इस चैप्टर में स्टूडेंट्स हमने जाना अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. पास अगर जाना होता है तो किस तरीके की चीजें यूज होती हैं, डेजर्ट्स में कौन से आपके ट्रांसपोर्टेशन यूज होते हैं जैसे कि कैमल्स, कोस्टल एरियाज में क्या क्या यूज होते हैं जैसे आपके शिप्स हो गए, क्रूजर्स हो गए, लाइनर्स हो गए, एयर ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आता है, लैंड ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आता है, रेल ट्रांसपोर्ट आपके नए नए कौन से डेवलप हुए हैं, तो ये सब चीजें हमने इस चैप्टर में जानी. सो स्टूडेंट्स हियर कम्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर. इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं वो आपको खुद से करनी है.